हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और ब्रेड के ब्रेड रोल। ये खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी हैं, बनाने में उतने ही इजी हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची है। वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलो ब्रेड रोल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल के लिए जितना हमें रोल तैयार करना है उतना ही ब्रेड ले लिया। इसके लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। 9 से 10 आलू को बॉईल कर लिया। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें कुछ सरसों के दाने ऐड करेंगे। बॉईल्ड आलू को डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करके इन सबको मैश कर लेना है। इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप और भी ज़्यादा ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, जैसा भी तीखा आपको पसंद हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। 1 टेबलस्पून चाट मसाला। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले मिक्स हो चुके हैं, इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, निकाल लेंगे एक बाउल में। ठंडा होने के लिए रख देना है। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। एक बाउल में पानी ले लिया है। ब्रेड को डिप करना है। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए पानी को निचोड़ लेंगे। इसमें स्टफिंग को फिल करना है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चारों तरफ से बंद कर लेंगे। ऐसे ही बाकी के बोल्स को भी रेडी करेंगे। बॉल्स रेडी हो चुके हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। एक एक करके सारे बॉल्स को डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करके चारों तरफ से इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। एक साइड से हो गया है, दूसरी साइड भी पलट लेंगे। गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ऐसे ही बाकी के बॉल्स को भी फ्राई करेंगे। किस किस को ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।